क्लास टुडे नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज फोर्टीन पॉइंट फोर इन दिस एक्सरसाइज सॉल्व ओनली क्वेश्चन एंड जो हमारा अजैव पार्ट है वो हम यहाँ छोड़ेंगे मीन्स ग्राफ वाला पोर्शन हम यहां छोड़ेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ फिफ्टी वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री यहाँ मेरे पास मेरे पास क्लास इंटरवेल गिवन है हंड्रेड टू वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू वन फोर्टी टू वन सिक्सटी टू वन एटी एंड वन एटी टू टू हंड्रेड इसके बाद जो मेरे पास वर्कर्स है ये मेरे पास फ्रिक्वेंसी गिवन है ट्वेल्व फोर्टीन एट सिक्स एंड टेन तो जब हम इसे लेस देन हमें कन्वर्ट करना है लेस देन टाइप में तो जब हम लेस देन में कन्वर्ट करेंगे तो लेस देन में हम सारा इसमें अपर लिमिट्स लिखते हैं मीन्स लेस देन वन ट्वेंट लेस देन वन ट्वेंटी लेस देन वन फोर्टी लेस देन तो ये जितनी भी हमारी यहाँ पर ये जितनी भी हमारी अपर लिमिट्स हैं ये हम सारी लेस देन के साथ में अपर लिमिट्स आएंगी तो हम लिखेंगे लेस देन वन ट्वेंटी लेस देन 140, फोर्टी लेस देन वन सिक्सटी लेस देन वन एट्टी लेस देन टू हंड्रेड तो ये हमारा कॉलम ये वाला जो हमारा कॉलम है ये हमारा तैयार होता है ठीक है इसके बाद हमारी जो फ्रिक्वेंसी है ये जो फ्रिक्वेंसीज है यहाँ से हम कन्वर्ट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ओके तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम जब करते हैं क्योंकि लेस देन और मोर देन के साथ में हमेशा क्यूलेटिव फ्रिक्वेंसीज आती हैं तो जहाँ हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ यूज़ करेंगे तो यहाँ हम ऐड करेंगे फ्रिक्वेंसीज़ को ऐड करते जाएंगे तो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी ट्वेल्व एज इट इज़ सेकेंड ट्वेल्व प्लस फोर्टीन ये हमारा हो गया ट्वेंटी सिक्स 26 ट्वेंटी सिक्स प्लस एट ये हमारी हो गई थर्टी फोर 34 थर्टी फोर प्लस सिक्स ये हमारा हो गया फोर्टी एंड देन फोर्टी प्लस टेन ये हमारा हो गया फिफ्टी तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में डिस्ट्रीब्यूशन में ओके नाउ क्वेश्चन नंबर टू इन क्वेश्चन नंबर टू मेड यहाँ हमारे पास गिवन है ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ थर्टी फाइव स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास दियर वेट्स वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज इसमें मेरे पास लेस देन टाइप गिवन है तो लेस देन टाइप गिवन है इट मीन हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ गिवन होगी जब भी लेस यदि हमारे ये जो है ये क्लास इंटरवेल गिवन है उसके साथ जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारी सिंपल फ्रिक्वेंसी होगी उसे हमें लेस देन में कन्वर्ट करना है तो फ्रिक्वेंसी को मुझे क्यूमुलेटिव बनाना पड़ेगा यदि ऑलरेडी मेरे पास लेस देन मोर देन गिवन है तो उसके साथ जो फ्रिक्वेंसी गिवन होगी वो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिकवेंसी गिवन होगी इट मीन्स ये जो है ये मेरी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है अब इस क्वेश्चन में मुझे मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन मैं फॉर्मूले से फाइंड करूँगी और फॉर्मूले से फाइंड करने के लिए मुझे वहाँ क्लास इंटरवल भी चाहिए होगा फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होगी और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी तो सबसे पहले तो मुझे लेस देन टाइप जो ये मेरी ये वाली जो कॉलम uh, है इसे मुझे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इसे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो यहाँ डिफरेंस देखा थर्टी एट फोर्टी फोर्टी टू इन सब में टू टू का डिफरेंस है ठीक है दूसरा मेरा ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि लेस देन के साथ में हमेशा अपर लिमिट्स लिखी जाती है ओके तो हम जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे थर्टी एट टू फोर्टी फोर्टी टू फोर्टी टू फ़ोर्टी टू टू फोर्टी फोर फोर्टी फोर टू फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स टू फिफ्टी फोर्टी सिक्स टू फोर्टी एट फोर्टी एट टू फिफ्टी एंड फिफ्टी टू फिफ्टी टू तो ये मेरी सारी क्लास इंटरवल आ गई उसके बाद जो फ्रिक्वेंसी ये जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी गिवन है इसे जब हम फ्रिकवेंसी से क्यूमुलेटिव में जाते हैं तो ऐड करते हुए जाते हैं लेकिन क्यूमुलेटिव से जब हम फ्रिक्वेंसी पे आते हैं तो हम सब करते हुए जाएंगे ओके तो हमारा यहाँ पे ये बन जाएगा देखिए ये जो फर्स्ट क्यूमलेटिव फ्रिकवेंसी मैंने आपको बताया ये क्यूमुलेटि फ्रीकवेंसी है तो यहाँ से जीरो नंबर हमारा एज इट ये जो जीरो है ये हमारा फ्रीकवेंसी के लिए एज इट इज रहेगा उसके बाद नेक्स्ट में हम क्या करेंगे थ्री माइनस जीरो सेकेंड फ्रिक्वेंसी में से फर्स्ट फ्रिक्वेंसी को माइनस करेंगे तो थ्री इट इज आ जाएगा देन थर्ड में से हम सेकेंड को माइनस करेंगे फाइव माइनस थ्री टू आ जाएगा देन नाइन माइनस फोर हम करेंगे फोर आ जाए नाइन माइनस फाइव करेंगे फोर आ जाएगा इसी तरह से हम फोर्टीन माइनस नाइन करेंगे तो ये हमारा फाइव आएगा देन ट्वेंटी एट माइनस फोर्टीन करेंगे फोर्टीन आएगा देन थर्टी टू माइनस ट्वेंटी एट करेंगे फोर आएगा देन थर्टी फाइव माइनस थर्टी टू करेंगे थ्री का कर, आएगा तो इस तरह से मेरी ये हमारी जो क्वेश्चन uh, है उसमें जो लेस देन हमारी कॉलम गिवन था वो हमारा क्लास इंटरवल में बदल चुका जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी गिवन थी वो हमने फ्रिक्वेंसीज में बदल दी अब मुझे अगेन क्वाल क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए तो चाहे तो हम क्वेश्चन में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है वो हम एज इट इज़ उठा सकते हैं या फिर जो हमने फ्रिक्वेंसी फाइंड की है यहाँ से हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इनको ऐड करते हो यानी जीरो एज इट इज जीरो प्लस थ्री 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 प्लस टू फाइव फाइव प्लस फोर नाइन नाइन प्लस फाइव फोर्टीन फोटीन प्लस फोर्टीन ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट प्लस फोर थर्टी टू थर्टी टू प्लस थ्री थर्टी फाइव तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में अब तीनों चीज़ मेरे पास आ गई क्ला, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो सबसे पहले हम देखेंगे एन बाई टू एन कितना है एन यानी समीशन ऑफ एफ यानी क्यूमुलेटि फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर हमारे पास क्या है वो है मेरे पास थर्टी फाइव तो थर्टी फाइव डिवाइड बाई टू यानी एन बाई टू जब हम करेंगे तो ये मेरा आया सेवनटीन पॉइंट फाइव ओके अब सेवनटीन पॉइंट फाइव से जस्ट ग्रेटर नंबर हमारा क्या होता है वो हमारा यदि हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में देखें तो वो हमारा नंबर है ट्वेंटी एट ओके तो ये जो ट्वेंटी एट है इस ट्वेंटी एट का हम ये जो ट्वेंटी एट नंबर मेरा आया है इस ट्वेंटी एट का जो हमारी फ्रिक्वेंसी है ये मेरी बनेगी एफ ओके okay? इसका जो क्लास इंटरवल है ये मेरा बनेगा मीडियन क्लास इसके बाद में ये जो फोर्टी एट है यानी लोअर लिमिट है ये मेरी बनेगी स्मॉल एल और ट्वेंटी एट से जस्ट प्रीवियस नंबर यानी फोर्टीन जो है ये मेरा बनेगा सी एफ और एच जो है ये मेरा है टू जो हमने डिफरेंस लिया था ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास जब हैं तो उसके बाद हम अपनी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में रखेंगे फार्मूला जो मेरा होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू एच यहाँ मैंने वैल्यूज पुट करी एंड आफ्टर दैट वी गेट फोर्टी सिक्स पॉइंट फाइव तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर टू है इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री मोर देन टाइप का क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ वीट ऑफ हंड्रेड फार्म्स ऑफ अ विलेज ठीक है तो इसमें प्रोडक्शन यील्ड मेरे पास गिवन है फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव टू एट्टी इसके साथ में नंबर ऑफ़ फार्मस ये मेरे पास फ्रिक्वेंसी गिवन है टू एट ट्वेल्व ट्वेंटी फोर थर्टी एट सिक्सटी अब मुझे इसे मोर देन में कन्वर्ट करना है मैंने आपको बताया जब मोर देन के साथ में हमारी लोअर लिमिट आएगी तो मोर देन के साथ में जो हमारी लोअर लिमिट आएगी इट मीन्स मोर देन के साथ में हम फिफ्ट कौन सी लिमिट लिखेंगे ये हम यहाँ पे मोर देन के साथ में हम ये वाली जो लिमिट है लोअर लिमिट फिफ्टी फिफ्टी फाइव सिक्सटी सिक्सटी फाइव सेवेंटी सेवेंटी फाइव ये लिमिट्स हम लिखेंगे ओके okay? तो ये हमने यहाँ पे लिखी मोर देन और इक्वल टू अब इसमें इक्वल टू वर्ड क्यों आया क्योंकि जो हमारा क्लास इंटरवल होता है वहाँ पे हमारी लोअर लिमिट काउंट होता है यानी फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव में फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फ़ोर ये नंबर हमारे काउंट होंगे ठीक है तो इसलिए हमने लिखा मोर देन और इक्वल टू फाइव क्योंकि हम यहाँ लोअर लिमिट ले रहे हैं क्लियर नेक्स्ट हमारा मोर देन और इक्वल टू फिफ्टी फाइव मोर देन और इक्वल टू सिक्सटी मोर देन और इक्वल टू सिक्सटी फाइव मोर देन इक्वल टू सेवेंटी एंड मोर देन और इक्वल टू सेवेंटी फाइव तो ये हमारी कन्वर्ट हो गई क्लास इंटरवल जो है वो कन्वर्ट हो गया मोर देन टाइप में अब इसके बाद जो फ्रीकवेंसी है उसे हम कन्वर्ट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में तो हम यहाँ देखें मोर देन और इक्वल टू फिफ्टी तो मोर देन और इक्वल टू फिफ्टी यानी इस वाली लिमिट से तो ये सभी ज़्यादा होंगे तो इसमें हम क्या करेंगे इन सब फ्रिक्वेंसीज का सम यदि हम देखें तो वो है हंड्रेड क्वेश्चन में ही गिवन है या फिर हम प्लस करके देख सकते हैं वो है हंड्रेड तो फिफ्टी से तो हंड्रेड के हंड्रेड ही ज़्यादा है ठीक है तो मोर देन और इक्वल टू फिफ्टी में हम यहाँ लिखेंगे हंड्रेड ओके इसके बाद मोर देन और इक्वल टू फिफ्टी फाइव इस फिफ्टी फाइव वाले कॉलम में हम क्या करेंगे कि जो मोर देन फिफ्टी वाले हैं ओके मोर देन फिफ्टी और फिफ्टी फाइव तक जो है टू उसको हम माइनस कर देंगे किस में से हंड्रेड में से तो हंड्रेड में से ये टू हमने माइनस किया तो ये हमारा आ गया नाइन्टी एट ओके इसके बाद में हमारा मोर देन और इक्वल टू सिक्सटी सिक्सटी तक में हम क्या करेंगे कि फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी तक जो हमारा एट है उसे हम माइनस कर देंगे तो यानी नाइन्टी एट में से हमने एट माइनस किया नाइन्टी आता है फिर मोर देन और इक्वल टू सिक्सटी फाइव में हम ट्वेल्व माइनस करेंगे तो ये ट्वेल्व माइनस करेंगे हम नाइन्टी में से हमारा आएगा सेवेंटी एट देन सेवेंटी एट माइनस ट्वेंटी फोर फिफ्टी फोर देन फिफ्टी फोर माइनस थर्टी एट सिक्सटीन तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी ये हमारा है क्वेश्चन नंबर थ्री जिसमें मोर देन टाइप का क्वेश्चन था ये वन टू थ्री क्वेश्चन एक्सरसाइज फोर्टीन पॉइंट फोर के विदाउट ग्राफ आपको करने हैं आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए यदि आपने कुन दिन नहीं किया है तो इसके बाद ये आपकी प्रैक्टिस शीट है इसमें एम सी क्यूज हैं ये आपको सॉल्व करके और इसमें आपको टिक करने हैं और आप मुझे सेंड करेंगे ओके तो इस टाइप की ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं ये आप जरूर सॉल्व कीजिए ओके थैंक यू सो मच